हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी उमिंगला पास सीरीज को देखने के लिए और उन सबको जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मैं हूँ अभी घर पर और नेक्स्ट राइड अभी मेरी कोई डिसाइड नहीं है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है। तो कुछ प्लेसेस हैं जो कि मेरे दिमाग में घूम रही है नेक्स्ट राइड के लिए। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए एज अ बैकपैकर। तो मुझे बस ये जानना है कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो हुई है नेपाल के लिए, उसके बाद वियतनाम, और आई थिंक उसके बाद श्रीलंका, और लास्ट में था थाईलैंड। इस व्लॉग को जो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे नेपाल बाय एयर जाना चाहिए कि बाय बाइक, क्योंकि मैं खुद नेपाल बाय बाइक जाना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप देखना चाहता है, इंटरनेशनल राइड तो मैं जा नहीं सकता अभी, तो इंटरनेशनल के लिए जो है टूर रहेगा वियतनाम के लिए, वो तो बाय एयर ही रहेगा। और तो मुझे बस इतना जानना है कि पहले मैं नेपाल के लिए जाऊँ या वियतनाम के लिए जाऊँ। तो नेपाल के लिए बाइक राइड और वियतनाम के लिए बाय एयर। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। और एक छोटी सी बैड न्यूज़ है कि मेरी बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उमिंगला पास से आने के बाद। एक्चुअली उसकी काफ़ी सारी चीज़ें टूट फूट गई हैं, तो वो भी ठीक करवानी है। अगर मुझे नेपाल राइड भी करनी है या कहीं और भी जाना है तो उसको ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है। और उसकी सर्विस भी आ रही है, लास्ट टाइम 12,000 किलोमीटर पे करवाई थी, अभी शायद 16,000 या 17,000 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो 6,000 किलोमीटर के बाद ही मैं करवाता हूँ, तो वो भी पेंडिंग है। तो काफ़ी काम करवाने वाला है इस बार बाइक का। तो चलते हैं, बाइक दिखाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की ओर। तो ये खड़ी मेरी बाइक बहुत ही बुरी हालत में, क्या हालत हो रखी है यार बाइक की, ये भी सारा टूट गया है, टूट नहीं सेटिंग सी हिल रही है, ये भी ठीक नहीं करवाया जब से आया हूँ उमिंगला पास से, ऐसी की ऐसी खड़ी है ये भी। ओहो, एक तो ये लेग गार्ड टेढ़ा हो चुका है, वैसे तो ये सीधा हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। और एक इसकी एक लाइट ऑन नहीं हो रही यहाँ से, इसका ये वाला प्लग भी ख़राब हो चुका है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत जल्दी ख़राब हुआ है ये। एक्चुअली ये मैंने लगा रखा है अपना लाइट्स के लिए, हज़ार लाइट्स के लिए, और ये वाला बल्ब भी फ्यूज़ हो चुका है, हेडलाइट तो जा ही चुकी है, कहने का हेडलाइट ठीक है, ये वाला एरिया इसको ठीक करवाना है। और सर्विस भी करवाने वाली हुई है बाइक की, काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है बाइक की इस वक्त, और हैंडल भी टेढ़ा है मेरा, जो आज सीधा करवा लूँगा। तो एक्चुअली ये पहली बार हुआ है कि बाइक को मैंने इतने दिन तक टच नहीं किया, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और आज टाइम मिला है, तो देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। दस दिन से ऊपर हो चुकी है बाइक को खड़ी हुई यहाँ, और मैंने सोचा नहीं था कि ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 10 दिन के ऊपर बाइक मेरी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली इसे ले जाते हुए शर्म आ रही है, इतनी बुरी हालत कर रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसे मैं वॉश करवा लेता हूँ, उसके बाद ही सड़क पे उतारता हूँ, नहीं तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे यार कैसे रखता है ये बाइक को। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच गया हूँ यहाँ अपनी बाइक वॉश करवाने, पोलोथीन बांध दिया ताकि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर काफ़ी सारी वायरिंग हो रखी है, और हैजर्ड लाइट की जो एक मोटर होती है वो भी है इसके अंदर ही है, तो पानी चला गया तो गड़बड़ हो सकती है। बाइक वॉश करवाने के बाद घर आ गया था, और अभी एक छोटा सा काम है मुझे, अपनी डॉटर को स्कूल से लेकर आना है, तो जस्ट बाइक तो यहाँ खड़ी है, डॉटर के लिए मुझे कार में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं गाइस। इस छोटे से काम को कंप्लीट करने के बाद बाइक के जो टूटे फूटे पार्ट्स हैं उनको थोड़ा जोड़ने के लिए जाना है।
आज स्कूल में क्या किया? एप्पा। एप्पा? हाँ। ये क्या होता है? तो अभी मैंने हरमाइनी को घर छोड़ दिया और अभी जा रहा हूँ बाइक ठीक करवाने, और ये कवर भी लगा लिए मैंने चंडीगढ़ में, तो भाई चलाना जैसे कि आपको मालूम ही है। चलते हैं गाइस, बाकी बातें करते हैं बाइक पर। अब भी किसी राइड पे जाता हूँ छोटा मोटा सामान ना गुम हो ही जाता है। इस बार उमिंगला पास गया था तो मेरी ये जो रेड कलर की वायर देख रहे हैं मोबाइल की, ये मेरे पास दो थी, दोनों की दोनों गुम हो गई। बाइक भी मेरी 17,226 किलोमीटर चल चुकी है, 18,000 पे सर्विस करवानी है, लेकिन पहले करवानी पड़ेगी। तो हैंडल भी काफ़ी टेढ़ा हो रखा है, तो इसी टेढ़े हैंडल पे मैंने उमिंगला पास किया था और घर तक का सफ़र इस तरफ को जा रहा है। मैं वैसे ही उमिंगला पास जा रहा था ऑफ रोडिंग करने के लिए, घर के पास ही ऐसे ऐसे रोड्स हैं कि यार ऐसे लगेगा लद्दाख ही घूम रहे हो, टूटी फूटी रोड्स। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजने को हो रहा है दोपहर के, और मुझे लगा था रश नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन इतना रश है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं बाइक चला रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, नया नया सा फील हो रहा है। तो लीजिए गाइस, चंडीगढ़ में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से अपनी बाइक की स्पीड की लिमिट को कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो चलान भाई घर पे आ जाएगा ऑनलाइन। तो जिस हिसाब से बाइक गिरी थी उतना नुकसान नहीं हुआ है, मुझे लगा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है सेक्टर 45 चंडीगढ़, जहाँ पे मैं ज़्यादातर अपनी बाइक की सारी एसेसरीज वहीं से लगवाता हूँ। चंडीगढ़ की रोड काफ़ी मस्त लगती हैं यार ऐसे। तो फाइनली मैं सेक्टर 45 में पहुंच चुका हूं, इस तरफ रोड का काम चल रहा है और दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ा और यहां से मुझे राइट लेना है। तो ये रहा बड़ैल, यहां पे आपको बाइक और कार से रिलेटेड सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, न्यू भी मिल जाएंगी, सेकंड हैंड भी मिल जाएंगी। और यहां मुझे जाना है अभी द थंपर्स कैफ़े, जिस शॉप पर मुझे जाना है। छोटी सी गली में आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा। अरे भैया गाड़ी का, गाड़ी वाला आ गया, गाड़ी वाला, एक मिनट यहाँ लगा देते साइड पे। तो यहाँ से लेफ्ट है द थंपर्स कैफे। तो फाइनली गाइस, लाइट लग चुकी है, क्लंप भी लग चुका है, इंडिकेटर भी डल चुका है। ये जो है लेग गार्ड मुझे शायद नया डलवाना पड़े, क्योंकि इसको सीधा करने में यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दे रखी है, और अगर देते हैं तो, और अगर करता हूँ तो ये यहाँ से बैंड होने का डर हो सकता है, क्योंकि साथ में रेडिएटर भी लगा हुआ है, फ़ैन भी लगा हुआ है, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं घर की ओर जा रहा था, लेकिन काफ़ी गर्मी है तो सोचा जूस का एक गिलास पीता चलूँ, तो पीछे भैया एक जूस का गिलास बना रहे हैं। फाइनली मैंने अपने बाइक के जो इश्यूज थे छोटे मोटे वो सारे मैंने ठीक करवा लिए हैं, और देखते हैं बाकी जो पेंडिंग वर्क है वो मैं सर्विस सेंटर में जाके ही करवाऊंगा, और वहाँ जाके लेग गार्ड का क्या रहता है, नया डलता है कि वही ठीक हो जाएगा, तो सर्विस सेंटर में पता लगेगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही है और इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।